चीन में बारिश से हुई है 21 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी और ट्रेन। और आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। मध्य चीन के हुबाई प्रांत में भारी बारिश के कारण कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। चीन हाल के महीनों में अभूतपूर्व बारिश से त्रास रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अत्यधिक मौसम ग्लोबल वार्मिंग के कारण आम होता जा रहा है। हुबाई में प्रांत के आपातकालीन प्रबंधन ब्यूरो ने कहा कि यह मूसलाधार बारिश बिजली कटौती और भूषणकाल का कारण बन चुका है, जिसने सैकड़ों घरों को नष्ट कर दिया है और लगभग 6,000 लोगों को अपना घर छोड़कर निकलने के लिए मजबूर कर दिया है। सरकारी प्रसारक शिन्हुआ ने शुक्रवार को बताया कि बुधवार से भारी बारिश के कारण शहर में 21 लोगों की मौत हो गई है और 4 अन्य लापता है। फुटेज में परिवारों को पानी में डूबते हुए देखा गया है, जो कि हिप्स के लेवल तक बढ़ गया था। ये भी देखा गया है कि बचाव दल ने बुलडोजर की मदद से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पिछले सप्ताह चिनहुआन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत में लगभग 1,00,000 लोगों को निकाला गया था, क्योंकि भारी बारिश के कारण कई भूस्खलन हुए थे। एक निवासी ने कहा कि हमने 20 या 30 वर्षों में इतनी बारिश कभी नहीं देखी। पिछले महीने मध्य चीन के हिनान प्रांत के एक शहर में 3 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए हैं। कल जलस्तर बढ़कर लगभग 2 से 3 मीटर हो गया। मेरे पड़ोसी का घर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। सोजुआ के सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक के निवासी ने स्थानीय मीडिया को यह बताया। चीन के आपातकालीन प्रबंध मंत्रालय के अनुसार सैकड़ों अग्निशमकों के साथ साथ हजारों पुलिस और सैन्य अधिकारियों को सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है। चीन के मौसम विज्ञान प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगले सप्ताह तक भारी बारिश जारी रहने की संभावनाएं हैं। संघाई सहित यांगत्ज़े नदी के किनारे के क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। 9 अगस्त तक प्रांत के कुल 19 जिलों या शहरों के 119 कस्बों और गांव में 4,40,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। कुल 80,800 लोग को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया गया है। लगभग 20 घर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं या ढह गए हैं। घायल या हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं थी। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक दजोहू शहर है, जहां बाढ़ के पानी में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए आपातकालीन कर्मियों ने नाव का इस्तेमाल किया है। अन्य गंभीर रूप से प्रभावित शहरों में बोझोंग और नानचोंग शामिल है। प्रांत में 9 जुलाई 2021 से भारी बारिश के दिनों के बाद पिछले महीने से बाढ़ देखी गई है। मीडिया ने बोझोंग में 1,00,000 लोगों को निकालने की सूचना दी थी। पूरे प्रांत में कुल लगभग 5,90,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मीडिया ने कहा कि बाढ़ से करीबन $27 मिलियन का नुकसान हुआ है। पिछले साल अगस्त में प्रांत में भारी बारिश के कारण यांगत्ज़े नदी और उसके सहायक नदियों में बाढ़ आ गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 2,00,000 से अधिक लोगों को बचाया गया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए दी और ट्रेन।